की असली परमात्मा का है। कबीर जी कहे एक दृष्टांत साथ संगत जी को बहन जी रहली वो कोनो प्रोग्राम में गई लाली तो उनके पति देव एगो नया नथिया बनवा के देले रहे ने। तो बहन जी सत्संगवा में जाली कोनो प्रोग्राम में तो सगरी बहन जी से कहली कि देखो हम फलानवा के पापा नथिया बनवा के देले बने। घूम घूम सगरी बहन जी से कह दिली कि फलानवा के पापा नया नथिया बनवा के देले बने बड़ा निक बा कैसन बा। ऐसे सबसे कहत कहत उनका जीव नहीं मानेला सत्संगवा खत्म होला महाराज जी गद्दिया पर बैठल रहे न महाराज जी के लगवा चली आवेली कहलिए बाबा जी ये बाबा जी देख ई चिंकिया के पापा है नथिया देले बने कैसन बा। बाबा जी कहे ना ये बहन जी जौने नथिया पर इतना गुमान करतनी ई कबो जननी जौने नकवा में ई नथिया पहले वाली नकवा के बनौले बा। ई नथिया इतना निक लगता ई नकवा के बनौले बा। हे कनवा में रोरे पहले वाली झुमकवा ई कनवा के बनौले बा। हे मुहवा से इतना निक बोलतनी मुहवा के बनौले बा यही के जाने के बा। नथिया दिया यार ने तो चिंतन बारंबार और नाग जिया जी से करतार ने उसको दिया विचार जे पूरा देहिया दे दे लोके पता नहीं बके दे दे हर आए सत्संग जी यही के जाने के बा। आए सत्संग जी जब धरती पर अत्याचार हो गईल तो सब देवता लोग मिल के भगवान के आराधना करेला लोग खोजेला कि असली भगवान के है। ई बालकांड में बा अगर जे हमार बात सुनता उ खोल सकेला दास एक चौपाई पड़ी या अर्थ बताई अब रोने लोगन मिलावल कर। बालकांड में बा केहू के पते नहीं रहेला कि भगवान कहाँ बा। सब लोग मिल के भगवान शंकर के लगे लोग जाला तो भगवान शंकर कहते ना जो असली परमात्मा है उस सब जगह रहने वाला है हम लोग सब लोग मिल के उसकी वंदना करें। ऐसा संग जी बालकांड में आया गोस्वामी जी ने लिखा है पढ़ने के लिए तो हर साल महाराज जी जब यज्ञ होता है तो जो लोग रामलीला करते वो हमेशा पढ़ते हैं लेकिन अर्थ समझ में नहीं आता है। दास पढ़ेगा और उसका अर्थ भी बताएगा। जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता जो गोहित कारी जय सुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता पालन सुर धरनी भूत करनी मर मन जानहु कोई जो सहज कृपाला दीन दयाला करहु अनुग्रह सोई। जय जय अविनाशी अविनाशी उके कहल जाला जेकर विनाश न होखो। राम गयो रावण गयो जाको बड़ो परिवार आ कबीरा यहाँ कोई स्थिर नाही सपने हूँ सब संसार राम रावण सब खत्म हो गई नहीं। लेकिन गोस्वामी जी लिखते हैं कि जय जय अविनाशी जिसका विनाश न हो सब घटवासी सब घट में रहने वाले जितना देवता लोग बा सब लोग वंदना करता किसी मंदिर में नहीं गए थे कावा या कैलाश में नहीं गए थे सात संगत जी जहाँ पर थे सब लोग मिल के वंदना कर रहे कि जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक आप हर जगह रहने वाले हो परमानंदा आप परम आनंद हैं। देख ली जेकरे ज्ञान बाबू देख ले ई परमात्मा बा तबन महाराज सांस ले तनी ई परमात्मा बा तबन भूल तनी खा तनी एयरफोन लगौले बानी ई परमात्मा न रहे जिन्हें भी ज्ञान हो गया है वो देख ले नजर उठा के अगर इस परमात्मा ने अगर माँ के पेट में अगर नहीं होता और इस परमात्मा ने अगर हम जगह यह परमात्मा ने अगर जगह नहीं दिया होता तो का केहू माई के लाल पर पेटे में से बाहर निकल यह परमात्मा ने ही जगह दिया तो सब आज बाहर है। सत्संग जी ऐसा संग जी यही जानने की चीज यह परमानंद है इस आनंद से ही दुनिया का सारा आनंद है महाराज। अगर देही में अब तनी से गड़बड़ हो जा टेम्परेचर नीचे ऊपर हो जा अब देहिया तुरंत बेहोश हो जाए होला कि ना कि केहू कची नहीं अब पीजीआई फेल हो जाए तनी से नीचे ऊपर भय अगर आनंद बा ई परमात्मा बात आनंद बा ई परमात्मा बात सांस से अंदर बाहर जाता ई परमात्मा बात हाथ ही लगता यही के जाने के बाद यही के गोस्वामी जी कहते हैं आप परमानंद हैं।
अभिगत गोतीतम चरित पुनीतम, अभिगत है आप, आपको कोई जीत नहीं सकता। दुनिया का जितना परमाणु बम बा, जितना हथियार बा, ये परमात्मा पे लगा के उड़ाई तो उड़े वाला बा, उड़ी का गोतीतम। गोतीतम मतलब का होला? इंद्रिय। अब लोग कितना लोग नहीं जानते हो इंद्रिय के कहल जाला? इंद्रिय कहल जाला हाथ, गोड़, आंख, कान, नाक, मुंह, बाणी, उपस्थ, गुदा। भगवान के लगे इंद्रिय नहीं बा। देवता लोग हो भगवान के पूजा करेला लोग, जब गोस्वामी जी रामायण लिख रहे हैं इस ऐसे भगवान की सारे लोग वंदना कर रहे हैं, जोने के लगे इंद्रिय हाथ, गोड़, आंख, मुंह, कान नहीं बा, माया रहित, वह माया से परे है, यानी माटी, पानी, आगे, हवा, आकाश से उसमें परिवर्तन होने वाला नहीं है। ऐसा संगत जी आगे लिखते हैं, जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा, अभिगत गोतीतम चरित पुनीतम, माया रहित मुकंदा, जही लागी विरागी यति अनुरागी, विगत मोह मुनि वृंदा, निसवासर ध्यावहीं जन गुण गावहीं, जयति सच्चिदानंदा। दास पूरा पढ़ने लगेगा तो आधा घंटा लग जाएगा। ऐसा संगत जी, तब इस निरंकार से आवाज हुआ, कोई मूर्ति नहीं प्रकट हुई, आवाज हुआ कि ये देवताओं आप चले, मैं त्रेता के रूप में, राम के रूप में अवतरित होकर रावण का वध करूंगा और पृथ्वी के हार को मैं कम करूंगा। ऐसा संगत जी, अब आए भगवत गीता, ये कहे बुझात हो कि राम रूप झूठा कहता है। दास का नंबर बल रही बा, दास का मेल आईडी है maharaj286@gmail.com, दास के मेल को दी, दास जवाब दियो कर। फेसबुक पर भी दास का नाम बा महाराज खान। दास जौने दिन से निरंकारी मिशन का ज्ञान ले ला ले, दास के फेसबुक पर नाम है महाराज खान। आए सत्संग जी, क्योंकि मैं जानता हूँ कि सत्संग जी अल्लाह कहो राम कहो पहचान के फिर नाम कहो, क्योंकि दास आज सतगुरु के माध्यम से यह जान लिया कि अरे मंदिर में तू भी है और मस्जिद में तू ही है, गुरुद्वारे में भी तू है और चर्च में ही तू है, तेरे सिवा इस संसार में दूसरा नहीं है। अगर जो अलग मानते हैं मंदिर में अलग है, तब दास भी मानेगा कि भगवान को कोई बांट सकता है।